नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महादेव ऐप बेटिंग मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई के कुरैसी प्रोडक्शन हाउस पर शनिवार की सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा था। ये छापेमारी मुंबई के अंधेरी इलाके में हुई थी। महादेव ऐप घोटाला केस में गिरफ्तार दमानी ब्रदर्स ने ईडी को कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दमानी ब्रदर्स ने ईडी को बताया था कि गरीबों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर हवाले का पैसा इनमें डाला गया था। दुबई से इन खातों में भारी मात्रा में पैसे डाले गए थे। इतना ही नहीं, बड़ा खुलासा ये भी है कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी इस बड़े घोटाले में शामिल हैं। अबू आजमी ने दुबई में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर कुरैसी प्रोडक्शन हाउस के खाते में पैसे मंगवाए। इनमें से ज्यादातर पैसे कैश में निकाले गए। सिर्फ अबू आजमी ही नहीं, महाराष्ट्र के कई बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। कई फिल्मी सितारों को भी इस नेटवर्क के माध्यम से पेमेंट किया गया है। महादेव ऐप घोटाले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ बताया गया है। दमानी ब्रदर्स के इस खुलासे और मुंबई के कुरैसी प्रोडक्शन हाउस पर छापेमारी के बाद महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में हड़कंप मचा है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी ईडी के निशाने पर आ चुके हैं। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा घोटाला आखिर है क्या और इसमें दाऊद के साथ साथ ISI का कनेक्शन क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले कि ये महादेव ऐप है क्या। दरअसल साल 2017 में महादेव ऐप छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले दो शख्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने मिलकर शुरू किया था। 2017 में शुरू हुए इस ऐप की पहुंच 2020 और 2021 के कोविड काल में अपने चरम पर पहुंच गई। 2022 तक इस प्लेटफॉर्म से करोड़ों यूजर्स जुड़ चुके थे। दरअसल ये सट्टा खेलने वाला एक ऑनलाइन ऐप है। इसमें सट्टे का खेल 500 रुपए से शुरू होता है और इस ऐप में खास बात ये है कि इसे खेलने वाला शुरू में पैसे कमाता था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। उसके बाद जब उसे धीरे धीरे लत लगने लगती थी, उसके बाद वो बड़ी रकम गंवा देता था। हालांकि हारने के बावजूद भी खिलाड़ियों को उनका कुछ पैसा वापस किया जाता था ताकि उसका इंटरेस्ट बरकरार रहे। अब बात करते हैं घोटाले की। महादेव ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर पहले भिलाई और रामपुर में जूस बेचा करता था। अचानक ऐप बनाने के बाद उसके रहन सहन में बदलाव आ गया। उसके आसपास पता नहीं कहां से करोड़ों रुपए आ गए। जांच एजेंसियों को शक हुआ कि इस ऐप के मालिकों के पास करीब 5000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति हो सकती है। जब शक बढ़ने लगा तो इसी साल अगस्त में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम थे सुनील और अनिल दम्मानी। इन दोनों को दम्मानी ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर, ये चारों आरोपी छत्तीसगढ़ के रायपुर के ही रहने वाले हैं। इन चारों ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि रैकेट का भंडाफोड़ नहीं हो उसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों को मोटी रकम दी जाती थी। इन चारों आरोपियों के बताए ठिकाने पर पिछले महीने यानी सितंबर के महीने में ईडी ने कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के कई शहरों में छापेमारी की और करीब 417 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और उसका सहयोगी रवि उप्पल अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। इसका जवाब ये है कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल 2 साल पहले ही दुबई चले गए थे और वहाँ से ही वो महादेव ऐप के जरिए पूरे देश में सट्टेबाजी का रैकेट चला रहे थे। ये दोनों कंपनी के मुनाफे में से करीब 80% अपने पास रखते हैं। अब आते हैं महादेव ऐप घोटाले के मुंबई और दुबई कनेक्शन पर। इसी साल फरवरी में सौरभ चंद्राकर ने दुबई में शादी की थी। इस शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अपनी शादी में शामिल होने के लिए सौरभ चंद्राकर ने कई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया था। आरोप है कि शादी में आने के लिए बॉलीवुड कलाकारों को कैश में भुगतान किया गया और शादी में परफॉर्म करने वालों को बड़ी रकम कैश में दी गई। इस शादी की चर्चा मुंबई की फिल्म जगत में कई दिनों तक चलती रही। अब ईडी ने उन कलाकारों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन कलाकारों में रणबीर कपूर के अलावा कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर और हिना खान शामिल हैं। इस घोटाले से जुड़ी ताजा अपडेट ये है कि ईडी ने पता लगा लिया है कि करीब 34 फिल्मी कलाकारों को महादेव ऐप घोटालेबाजों ने कैश में भुगतान किया है। ईडी को ये भी जानकारी मिली है कि महादेव ऐप में ISI का भी पैसा लगा है। दुबई के रास्ते ISI ने सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को पैसे दिए और फिर इनके जरिए वो पैसा भारत भेजा गया। भारत में ISI का पैसा गरीबों के बैंक अकाउंट में
डाला गया, उसके बदले उन गरीबों को एक छोटी सी रकम कमीशन के रूप में दे दी जाती थी। ये खाते समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपने लोगों के जरिए खुलवाए थे। इन खातों से भारी मात्रा में कैश में पैसे निकाले गए। इसी सिलसिले में अंधेरी में कुरैसी प्रोडक्शन पर छापेमारी की गई। आरोप तो ये भी है कि महाराष्ट्र के कई बड़े अधिकारियों और नेताओं को भी पैसे दिए गए। ये रकम करोड़ों में है। आने वाले दिनों में इस घोटाले में कई और बड़े नामों का खुलासा होने की उम्मीद है। आपको महादेव ऐप की ये पूरी हिस्ट्री, ये पूरी इनसाइड स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।